हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, क्वेश्चन नंबर 1.14। इसके अलावा इसी टॉपिक पर जो बेस्ड क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1.33 और क्वेश्चन नंबर 1.34, ये तीनों डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1.14। गिवन फिगर है आपके पास, ये सोर्स ट्रैक ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ थ्री चार्ज, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ये हमसे पूछा गया है कि ये तीन अलग अलग पार्टिकल जा रहे हैं, लेट ये Q1 है, ये Q2 और ये Q3, तो आपको उनके साइन बताना और बाद में बताना कि चार्ज टू मास रेशियो किसका हाई होगा। और इसी पर बेस्ड फिर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ अटैच क्वेश्चन 1.33, वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी हम इसी फिगर से फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव की प्लेट की तरफ तभी अट्रैक्ट होगा जब वो अपोजिट साइन का होगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे फर्स्ट और टू ये दोनों पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन। लेकिन अगर प्लस और माइनस है तभी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे यहां पर है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए इधर से कोई चार्ज पार्टिकल गया, अब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ तभी जाएगा जब उसका खुद का चार्ज नेगेटिव होगा। तो एक बात तो से हो रहा है कि चार्ज Q1 और चार्ज Q2 ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों रहेंगे नेगेटिव, और जो चार्ज Q3 है वो रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने इसका आंसर दे दिया, गिव द साइन ऑफ थ्री चार्ज। तो साइन हमें पता चल गया है, ये वाला नेगेटिव प्लेट की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होगा क्योंकि इस पर खुद का चार्ज होगा पॉजिटिव। अब बात करते हैं कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो कैसे पता करें। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक मिड में ये दो प्लेट है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके मिड में एक लाइन खींच ली है जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब आप तीनों चार्ज पार्टिकल को अगर नोट करो तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये दोनों तो ऊपर चले गए और ये दोनों, ये जो थर्ड पार्टिकल है ये नीचे आ गया, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, अट्रैक्शन की वजह से। तो इनमें डिफ्लेक्शन होगा कितना वो कैसे फाइंड करें। तो मैंने मान लिया कि ये जब ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, लेट उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो वाई के इक्वल है। अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा होता है तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला होता है, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी एफ इक्वल टू क्यू ई। और आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो जो चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो रहेगा क्यू ई अपॉन में मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। और जब भी कोई मान लीजिए पार्टिकल है, अगर वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा होता है तो उस पर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये इक्वेशन हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें जाएं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, चार्ज कॉन्स्टेंट होगा किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए, मास भी कॉन्स्टेंट होगा, तो जितने भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं इन सब का कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन होगा। तो डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए मैं इन इक्वेशन का यूज करूंगा, जैसे डिफ्लेक्शन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेट ये ओरिजिनली तो ऐसे मूव करे तब डिफ्लेक्शन हो गया वाई डायरेक्शन में, तो मैंने उसको एच मान लिया। एच क्या हो गया, कितनी हाइट पर वो ऊपर या नीचे जा रहा है। ठीक है, ऊपर या नीचे को मैंने क्या मान लिया, एच। अब इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो डिफ्लेक्शन मैंने माना कितना, एच। जब भी इसमें बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, देखो हम डिफ्लेक्शन देख रहे हैं वाई डायरेक्शन में, तो यहां पर वेलोसिटी हम लेंगे वाई डायरेक्शन की इंटू टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। लेकिन आप ये देखो कि चार्ज पार्टिकल वो इस तरह से आ रहे थे, यानी कि इनिशियल उसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी थी, वाई डायरेक्शन की कोई वेलोसिटी उसमें थी नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी होगी, जीरो, क्योंकि पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहे थे। हाँ, जब उन पर फोर्स लगी ऊपर या नीचे की तरफ तब उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई होगी, बट इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो डिफ्लेक्शन हुआ एच, एच को क्या मान रहा हूँ, डिफ्लेक्शन कितना वो एक्स एक्सिस से ऊपर या नीचे गया है, तो ये तो जीरो हो गया, हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो हमें पता है कितना है, 1/2 एक्सेलरेशन है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था चार्ज पार्टिकल पर एक्सेलरेशन होगा क्यू ई
अपॉन में एम इंटू में टी का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, एच इक्वल टू कितना, हाफ क्यू ई एम इंटू में टाइम का स्क्वायर। इसमें पूछा गया था कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा। अब देखो यहां पर ये चार्ज है और यहां पर ये मास है, तो अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, पहले चार्ज टू मास रेशियो की बात हो रही है, तो क्यू बाय एम तो यहां पर है। अब अलग अलग चार्ज है लेकिन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम लग रही है ई, और लेट वो टाइम भी उनके लिए सेम होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ जो हाइट है यहां पर वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, क्यू बाय एम पर, यानी कि जो हाइट है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है चार्ज टू मास रेशियो पर, चार्ज टू मास रेशियो। तो जिसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा उसमें डिफ्लेक्शन भी सबसे ज्यादा होगा, मतलब वो इनिशियल लाइन से सबसे ज्यादा ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप इन तीनों पार्टिकल को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा नीचे जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन किसमें हो रहा है, पार्टिकल थ्री में। तो सिंस पार्टिकल थ्री हैज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सो इट हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो हमने पता कर लिया हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा, चार्ज थ्री का। अब मैंने यहां पर ये फॉर्मेट ड्राइव करा है डिफ्लेक्शन का, एच इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन में एम इंटू टी का स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें चेंज लाते हैं क्योंकि अगला जो हमारा क्वेश्चन है 1.33 उसमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पूछा, अभी भी हमने डिफ्लेक्शन का ही तो फॉर्मूला निकाला है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा, लेकिन आप यहां पर देखो क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन टू एम वी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अब हमें इस फॉर्मूले में। तो वो कैसे करेंगे, देखो जब भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसमें ये एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो डिपेंड करेगा कि ये जो प्लेट है इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो यहां पर बोला है लेंथ ऑफ प्लेट इज एल, तो मैंने मान लिया कि जो प्लेट है यहां पर ये पूरी जो लेंथ है लेट उसकी लेंथ है एल। अब आपने पढ़ा होगा जब भी, देखो दो चीज पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, पार्टिकल जब वर्टिकल मोशन में हो रहा है मतलब कि उस पर वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है ऊपर या नीचे वो बात अलग है, तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन जब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहां पर टू डायमेंशन मोशन हो रहा है, जैसे आपने क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में टू डायमेंशन मोशन होता है, मतलब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा होता है और वाई डायरेक्शन में भी। सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पार्टिकल आगे भी मूव कर रहा है, पार्टिकल ऊपर या नीचे भी जा रहा है, तो ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन होगा वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इसीलिए पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअली वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, मैं इसको लिख देता हूँ एक्सेलरेशन जीरो होगा एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही है एक्स डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है सिर्फ ऊपर या नीचे की तरफ, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। अब जब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पर कॉन्स्टेंट होगी। तो जब भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होती है डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो हम डिस्टेंस का तब अप्लाई करते हैं जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ये तब अप्लाई करते हैं जब स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो अगर मैं होरिजेंटल डायरेक्शन तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो होरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितनी लेंथ होगी प्लेट की, तो यहां पर मैंने लिख दिया एल जो डिस्टेंस है हमारा, स्पीड मैंने वी एक्स ले ली, टाइम ले लिया टी। तो अगर मैं यहां से देखूं टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल अपॉन में वी एक्स। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देखो अगले वाले क्वेश्चन में यहां पर वी एक्स इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि जो पार्टिकल की स्पीड है एक्स डायरेक्शन में वो वी एक्स है। तो अब मैं टाइम को रिप्लेस करके एल अपॉन वी एक्स लिखूंगा, जो हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आया था, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था हाफ क्यू ई अपॉन में एम इंटू टी का स्क्वायर। तो टी की जगह मैं अब एल अपॉन वी एक्स लिखूंगा, तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा एच इक्वल टू वन अपॉन में टू क्यू अपॉन में एम, इसको चार्ज टू मास रेशियो बोलते हैं, स्पेसिफिक रेशियो भी बोलते हैं, इंटू में ई, और टाइम की जगह कितना आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में वी एक्स का स्क्वायर। ये जो वी एक्स है ये वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही है, यहाँ पर पार्टिकल में जो मोशन हो रहा है वो टू डायमेंशन मोशन है। अब देखो
इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके, टी को रिप्लेस करके मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया जो यहाँ पर पूछा गया है कि सो डेट द वर्टिकल रिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल फार एजेस ऑफ द प्लेट इज क्यू ई एल स्क्वेयर अपॉन में 2 mv². तो आप देखो ध्यान से, यही तो फॉर्मूला है, क्यू ई एल स्क्वेयर अपॉन में 2 mv²। तो ये भी इसी से हो जाएगा, इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कितना आ गया, वर्टिकल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ गया 1/2 क्यू ई एल का स्क्वायर अपॉन में एम वी एक्स का स्क्वायर। ये हो गया 1.33। अब 1.34 पे चलते हैं। सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33 जो अभी हमने करा है इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी। तो यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू गिवन है हमें 2 × 10⁶। इफ ई बिटवीन द प्लेट इज, अब देखो सेपरेशन भी दे रखा है, इज 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कोलाम। यह होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, लेट ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, तो ये कहाँ पर स्ट्राइक करेगा। एक तरह से हमें यही बताना है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा इस क्वेश्चन में। तो ये जो 0.5 cm है, ये दो प्लेट के बीच का सेपरेशन हमें गिवन है। ये प्लेट नेगेटिव वाली होगी, नीचे पूछा है जब पार्टिकल को आप यहाँ से छोड़ रहे हो तो धीरे 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 वो ऊपर जाएगा। तो एक तरह से पूछा गया था कि इफ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, तो कहां पर जाकर के वो स्ट्राइक करेगा अपर प्लेट पर। तो जब वो स्ट्राइक करेगा उसका मतलब ये कि उसने पूरी जो लेंथ है वो कवर कर ली होगी। तो हमें फाइंड करना है एल की वैल्यू। तो जो डिफ्लेक्शन है उसका फॉर्मूला होता है क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में 2 mv² का स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, एल निकालना है। तो एल के लिए हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू 2 mv² का स्क्वायर इंटू में एच अपॉन में क्यू इंटू में ई। अगर मैं सब वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 × 10⁻³। जो स्पीड है वो हमें गिवन है 2 × 10⁶। ये जो हाइट है ना, यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन एक तरह से होगा डिफ्लेक्शन 0.5 cm को ऐसा यूनिट में चेंज कर दीजिए 10⁻²² से मल्टीप्लाई करके। एक्चुअली यहाँ पर होगा इसका वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 × 10⁻²। तो जब आप इसको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे लगभग आएगा 1.6 cm में। मीटर में अगर मैं लिखूँ इसको तो रहेगा 1.58 × 10⁻²⁪ मीटर। राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर में चेंज करके आएगा 1.6 cm। तो आई होप कि आप तीनों पार्ट अच्छे से समझे होंगे किस तरह से हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला टाइम के टर्म में निकाला है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर स्पीड के टर्म में, और लेंथ ऑफ, क्या इसको कैपेसिटर भी हम बोल सकते हैं, उसके बीच में निकाला। किसी किसी क्वेश्चन में आप इसको देखेंगे कैपेसिटर दिया होगा, क्योंकि कैपेसिटर भी तो इसी तरह से होता है, दो मेटल प्लेट, एक पे चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर नेगेटिव प्लेट होगा। तो मेन क्या है यहाँ पर, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान रखना। एक तो एच इक्वल टू 1/2 qE t का स्क्वायर अपॉन में m, t को रिप्लेस कर देंगे तो 1/2 qE l² अपॉन में mv² एक और चीज इसमें यहाँ पर ये भी कहा है कि कंपेयर करो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था मोशन से। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करता है, उसका जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक, प्रोजेक्टाइल मोशन की 2D होता है वो। ऐसा ही यहां पर भी होगा, क्यों, आप ये देखो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पर, डिफ्लेक्शन आप H मैंने डिनोट किया, किसी किसी बुक में आपको ये Y भी मिल सकता है। तो जो Y है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, L² पर, और जो एल स्क्वायर है वो किस में, एक्स एक्सिस में है ना। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर। ये कैसी इक्वेशन होती है, पैराबोलिक। तो यहाँ पर जो पाथ होगा ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब चार्ज पार्टिकल, वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट का पाथ यहाँ पर पैराबोलिक होगा। तो जिस तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसका मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक।